हरामखोर, अभी तक सोया पड़ा है। 12 बज गए हैं दिन के। क्या मसला है अबू तेरा, ठीक से सोने भी नहीं देते, जालिम हो या अबू हो तुम? काम शाम नहीं करते, सुबह शाम सोने वाला काम है। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ इस घर से, दलील करके रख दिया है, कभी नहीं वापस आऊंगा, जा रहा हूँ मैं। दफा हो गंदी औलाद, मजा न सवाद। ये क्या हाल बना के रखा है और इतना गुस्सा गुस्सा क्यों हो? बस यार क्या बताऊं तुझे, अब्बा ने मुझे जलील करके रखा है। फिर क्या हुआ? बस यार क्या बताऊं, मेरी मयार का कोई काम ही नहीं मिल रहा ना, और अब्बा कह रहा है काम करो काम करो। फिर यार ऐसा करो, मैं घर से रूठ के आया हूँ, अब मैं तेरे पास रहूंगा, मुझे अपने घर ले चलो ना। मेरी खुद की घर में इज्जत नहीं, ना रोटी मिलती है और ना सोने के लिए चारपाई, ऊपर से ये मेरे गले पड़ रहा है, इसका कुछ टोटल करता हूँ। चलो तेरी सुलह करा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं सुलह नहीं करूँगा। अच्छा एक मशवरा देता हूँ। दे। तो फिर चलो, तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है। चलो। अंकल जी, आपके बेटे को जिन्नात का साया हो गया है, कल भी पुलिस वाले को ऐसे ऐसे घुमा रहा था और मुंह से भी झाग निकल रही थी। अपने बेटे का खुद ख्याल रखो, कहीं नुकसान ना कर दे। जी 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 जिन्नात, मुझे तो खुद जिन्नात से डर लगता है। अंकल जी, ये जो कुछ कहे इसकी बात माना, ठीक है ना? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, भूख लगी है। इसको भूख नहीं लगी है, इसके अंदर जो जिन्ने उसको भूख लगी है, वरना हमें खा जाएगा। जाओ अंकल। ठीक है, मैं कुछ ले आता हूँ इनके लिए। ठीक है ठीक है। काम बन गया। अंकल मैं दिखाऊं। और भुने हुए बटेर का बंदोबस्त करो। करता हूं। तुम इधर आओ, इधर आओ। इसका कोई बंदोबस्त करते हैं। मेरा एक जिन निकालने वाला बाबा है, हाँ, मैं उसको बुला के लाता हूं। क्या हो गया? अंकल किसी जिन निकालने वाले बाबा जी को लेने गए, उसके सामने ये जिनों वाली एक्टिंग जारी रखना, ठीक है? उसे कुछ नहीं बताना। ठीक है, आने दो। बैठो बाबा, मैं मरीज को लाता हूँ। ठीक है ठीक है। बैठो बच्चा। यूत्रक भूत्रक डंडा डूरी। क्या हुआ बाबा जी? अभी दम हुआ बहुत, अभी यकदम होगा। एक्टिंग की भाषा लग रहे हो, एक्टिंग जारी रखो। यूत्रक भूत्रक डंडा डूरी डुर। इसे लंबा पाओ और निकालो डंडा। एक्टिंग जारी रखो, एक्टिंग नहीं छोड़ना वरना मुझे भी मार पड़ेगी। अबे मेरा पिछवाड़ा दुख रहा है और तुझे एक्टिंग ही पड़ी है। अबू जी, बाबा जी मुझे माफ करो। अबू जी, मुझे कोई भूत नहीं, कोई साया नहीं, इसलिए मेरे दोस्त ने बोला जिनकी एक्टिंग करो ताकि रोटी खा सके, सारा कसूर इसका है। अबू जी मुझे छोड़ो।